नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, शादी के कई रस्में होती हैं जिनका अलग महत्व होता है। हर एक रस्म का एक परंपरा की याद दिलाती है और कुछ नया सिखाती है। इन्हीं में से एक है उपहार का लेन देन की बातें, जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी बेटी की शादी होती है तो उसके माता पिता उन्हें उपहार में ढेर सारा आशीर्वाद और चीज़ें देते हैं। यूँ कहा जाए तो उसका प्यार उनके उपहार में दिखाई देता है। बेटी की पसंद की हर एक चीज़ उसे दी जाती है, जो ससुराल में उसके काम भी आती है। शादी में होने वाली हर एक रस्म खुशी और प्रेम का प्रतीक होती है। शादियों में होने वाले रीति रिवाजों में लोग ज्योतिष का पालन भी करते हैं। कई लोग बेटी को भी उपहार देते समय उसकी खुशहाली का भी कामना करते हैं और उन्हें ज्योतिषों के नियम बताते हुए उपहार देते हैं। कई बार हम बेटियों की शादी में ऐसे तोहफे दे देते हैं जो उनकी शादीशुदा ज़िंदगी के लिए अच्छे नहीं माने जाते। दरअसल, अगर आप कोई भी उपहार देते समय ज्योतिष का ध्यान रखते हैं तो उसके बहुत अच्छे फल मिलते हैं और उसके भावी जीवन में खुशहाली आती है। दोस्तों, बेटी की शादी में उपहार देना माता पिता की खुशी होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो उपहार में ना देने की सलाह दी जाती है, जिससे बेटी के आगे के जीवन में कोई भी समस्या ना आए। कई ज्योतिषों की माने तो आपको भूलकर भी कुछ चीज़ें बेटी को शादी के समय उपहार में नहीं देनी चाहिए। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। पहला है, बेटी को शादी में उपहार में कांच का सामान नहीं देना चाहिए। कांच का सामान देखने में खूबसूरत तो लगता है, लेकिन किसी को भी उपहार में देना अच्छा लगता है। इसका इस्तेमाल भी बर्तन या सजावटी सामान के रूप में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन यदि आप बेटी की शादी में कुछ उपहार देना चाहते हैं तो आपको कभी भी कांच के बर्तन या अन्य सामान नहीं देने चाहिए। बेटी को ऐसी कोई भी चीज़ बेटी को उपहार में देने से पहले रिश्तों में दरार पड़ सकती है। दरअसल, अगर ज्योतिष की माने तो जब बेटी शादी के बाद मायके से ससुराल जाती है तब उसके साथ ढेर सारा सामान लेके जाती है। ऐसे में कांच का सामान भी टूटने का डर रहता है, इसीलिए कांच का सामान ना दे तो ही बेहतर होगा। दूसरा है, बेटी को शादी में उपहार में काले वस्त्र नहीं देने चाहिए। कभी भी आपको बेटी की शादी में उपहार के रूप में काले कपड़े नहीं देने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि काला रंग नकारात्मक का प्रतीक होता है और काले वस्त्रों को उपहार में देने से बेटी के वैवाहिक जीवन में समस्या आ सकती है। तीसरा है, बेटी को कभी भी धारदार चीज़ या माचिस नहीं दें। बेटी की शादी में कभी भी माचिस, चाकू या कैंची उपहार में नहीं देनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इसके नकारात्मक प्रभाव से बेटी के जीवन में कलह क्लेश की स्थिति आ जाती है और बिना वजह लड़ाई की स्थिति बन जाती है। बेटी को उपहार देते समय इनको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी कोई भी चीज़ बेटी को ना दें। चौथा है, उपहार में गैस चूल्हा या फिर कोई ज्वलनशील चीज़ें ना दें। ऐसा माना जाता है कि भले ही आप बेटी की शादी में उपहार में कई चीज़ें क्यों ना दे रहे हो, लेकिन आपको कभी भी गैस चूल्हा या अन्य ज्वलनशील चीज़ें बेटी को भेंट नहीं करनी चाहिए। इसके पीछे का कारण ये है कि गैस चूल्हा बेटी को उपहार देते हैं तो इस बात का प्रतीक हो जाता है कि ससुराल में उसकी रसोई अलग हो जाए। दरअसल, आप भले ही इस मानसिकता से बेटी को उपहार नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये बेटी के लिए शुभ नहीं होता, इसीलिए आपको गैस चूल्हे या इससे जैसी कोई भी चीज़ बेटी को नहीं देनी चाहिए। पाँचवा है, बेटी को उपहार में अचार ना दें। ज्योतिषों की माने तो कभी भी बेटी को मायके से अचार अपने ससुराल नहीं लाना चाहिए। वही अगर आप बेटी को उपहार में कोई सामग्री दे रहे हैं तो भूल कर भी अचार ना दें। दरअसल, अचार खट्टा होता है और ऐसा माना जाता है कि अचार उपहार में देने से बेटी के ससुराल के रिश्तों में खटास आती है। इसके अलावा अचार में तेल के इस्तेमाल किया जाता है। जब बेटी मायके से विदा होकर ससुराल जाती है तो रास्ते में अचार से तेल निकलने या अन्य चीज़ों पर खराब होने का डर भी रहता है, इसी वजह से भी अचार उपहार में नहीं देना चाहिए। बेटी को शादी के समय उपहार देते समय आपको यहाँ बताई गई सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे उसके आने वाले जीवन में सामंजस्य बना रहे और कोई समस्या ना आए। आपको यह अद्भुत और अनोखी जानकारी कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।